जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के 2022 के एक डेटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं ये यूजीसी नेट केवीएस मदान के बुक पढ़ रहा था और इसके फर्स्ट सेट जो 2022 का दिया गया है उसमें एक डेटा हैंडलिंग का सवाल है, उसको हम सॉल्व करेंगे। डेली वाइज कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए चलेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हुए चलेंगे। मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको भी समझ आ जाएगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उसको कम समय में कैसे सॉल्व करना है। और आप एक बार उस क्वेश्चंस को देख लेंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं, और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो साथ ही साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। कम से कम क्वेश्चन देखने से ये आइडिया हो जाएगी कि यूजीसी में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपके स्क्रीन पे दोस्तों ये जो सवाल है वो यूजीसी नेट 2022 में पूछा गया था। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या सवाल में है और कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर हम समझ जाएंगे तो हम इजीली कर पाएंगे। हमें कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में चार ABCD के अंतर्गत कारों की प्रतिशत चार राज्यों, मतलब चार स्टेट दिए गए हैं। स्टेट 1, 2, 3, 4 यहाँ पे ABCD लिखा है, मतलब ABCD चार हमारे पास स्टेट है, राज्य है। इसमें कारों की प्रतिशत दी गई है, डीजल व पेट्रोल कारों का अनुपात दिया गया है, और सभी राज्यों में चार कारों की कुल संख्या 1400 है। अब सवाल समझ जाइए, ये हमारे पास चार स्टेट हैं ABCD, ओके। अब इन चार स्टेट में बच्चों हमारे पास टोटल 1400 कार है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट ए में 14%, स्टेट बी में 28%, स्टेट थ्री में 32%, स्टेट फोर में 26%। और साथ ही साथ इन कारों में दो तरीके की कार है, एक पेट्रोल इंजन है और एक डीजल इंजन है। तो इनका यहाँ पे रेशियो दिया गया है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का रेशियो 3:4, 5:9, इस तरीके से सवाल ये चार्ट में, ये पूरा आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसके आधार पे आपसे कुछ इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं कि बताइए राज्य बी में डीजल इंजन के कारों की संख्या और राज्य डी में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या का अंतर क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है, बी में डीजल इंजन कितने हैं और डी में पेट्रोल इंजन कितने हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आसान से शब्दों में समझ जाइए। तो ये जो हमारे पास ग्राफ दिया गया था, ठीक है, ये जो हमारे पास ग्राफ दिया गया था इसमें हमें कहा गया था कि जो टोटल हमारे पास कार हैं बच्चों, जो हमारे पास टोटल कार हैं वो कितने हैं, 1400, ठीक है, 1400 है या 14,000, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास 1400 है, करेक्ट, ये रहा हमारा 1400। अब आइए, हमारे पास टोटल 1400 कार है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ए में हमारे पास टोटल कितने कार है। ए में 1400 का 14%, तो अगर आप 1400 का 14% निकालेंगे, 14% ऑफ कितना, ऑफ 1400, तो ये हो जाएगा 14 / 100 × 1400, 1400, ये डबल जीरो गया, 14 × 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 196। हमारे पास टोटल 196 कार कितने हैं, स्टेट ए में है, राइट, यहाँ तक बात क्लियर। अब उसी तरीके से हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्टेट बी में, राज्य बी में कितने कार हैं। तो 28%, तो 28% का मतलब 100, टोटल कितने कार हैं, 1400 ना, 1400 का 28%, इन डबल जीरो से इन डबल जीरो को कट कर देंगे, तो 14 × 28 अगर आप करेंगे तो इसका हो जाएगा 6 × 2 = 12 × 2 = 1 18 19 और 292, कितना हो जाएगा भाई, 292, करेक्ट, सॉरी 392, यहाँ पे मैंने गलती किया, 392 हमारे पास कितना कार हो गया, 392, ये हमारे पास कार हो गया, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे कि स्टेट सी में हमारे पास कितना कार है, तो 32% का मतलब 100, कितने का भैया, 1400 का, इस डबल जीरो से इस डबल जीरो कट गया। अब यहाँ से कट गया, 448 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
76 × 14 अगर आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 364। यहाँ पे कितना कार आ गया, 364। हमारे पास कितना कार आ गया, 364। समझ में आ गया कैसे, मैंने बहुत इजी कैलकुलेशन है, परसेंटेज का कैलकुलेशन है। इसमें टोटल हमारे पास कितने कार है भाई, 1400 कार है, और यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है, तो हमने उस परसेंटेज के हिसाब से हमें निकाल लिया कितने हमारे पास कार है। इसको मैंने यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से कर लिया, समझ में आ गया बात। अब दूसरा दोस्तों ये कह रहा है कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का रेशियो दिया गया है, तो हम ये देख लेते हैं कि डीजल इंजन कितना है और पेट्रोल इंजन कितना है, इस रेशियो को हम नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास टोटल कार कितना है, हमारे पास टोटल कार है भाई 196 कितने स्टेट ए में, और इनका रेशियो कितना है 3:4। हम मान लेते हैं कि 3x हमारे पास क्या है भाई,
हम मान लेते हैं कि 3x हमारे पास डीजल इंजन है और 4x हमारे पास क्या है, पेट्रोल इंजन है, तो टोटल कितना भी 7x, 7x, और ये टोटल कार कितने होंगे, इतने होंगे। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी भाई ये 7 × 2 = 14 और 7 × 8, मतलब x की वैल्यू 28। तो हमारे पास डीजल इंजन जो हो जाएंगे 3 × 28 और हमारे पास पेट्रोल इंजन जो हो जाएंगे 4 × 28। बात समझ में आ रही? बहुत अच्छा, चलिए। यानी कि हमारे पास जो डीजल इंजन कार हो गई वो हो गई 8 × 3 = 24 का 4 = 2, 3 × 2 = 6, 7, 8। 84 हमारे पास ये हो गया डीजल इंजन, और हमारे पास पेट्रोल इंजन कितना हो गया, 8 × 4 = 32 का 2, और 4 × 2 = 8, 3, 11, 112। समझ में आ गया भाई? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल सी बात ये देख लीजिए, कह रहा है कि जो हमारा रेशियो है भाई, वो रेशियो हमारा कितना है, 3:4 का है। तो मान लेते हैं 3x हमारे पास क्या है, 3x हमारे पास डीजल है और 4x हमारे पास क्या है, पेट्रोल है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही तो होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, इस तरीके से हमने निकाल लिया। सिमिलरली इसकी बात करें तो 5:9, मतलब 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14x = 392। और x की वैल्यू यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी आएगी, 28 ही आएगी, और 28 की 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 5 = 40 का 4 = 0, और 5 × 2 = 10, और 40 × 140 यहाँ पे हो जाएगा, और 140 फिर 9 से कर लीजिए, 9 × 8 = 72 का 2, हाथ में 7 = 7, और 9 × 2 = 18, 18 और 7 कितना हो गया भाई, 18 और 7 हो गया आपके पास 252 आपका पेट्रोल। ये यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे फिर से आप समझ लीजिए दूसरे वाले को, बहुत ईजी है भाई। कहने का मतलब टोटल हमारे पास 392 कार है, कितने भाई, 392 कार है, और हमारे पास रेशियो कितना है, 15:9 का है। तो मान लेते हैं 15x डीजल इंजन है और 9x कितना है, 9x हमारा पेट्रोल इंजन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे, 28 आएगा, और 28 का फिर 5 से 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो में दे दीजिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, थोड़ा इसको आपके प्रैक्टिस करना, ठीक। वैसे ही देख लेते हैं 5 और 3 कितना, 8x, 5x और 3x 8x हो गया, और ये कितना है, 448। अब इसको x से सॉल्व कर लीजिए भाई, x से सॉल्व, 4 × 2 = 8, 4 × 2, फिर 2 से कर लीजिए कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, और 5 × 6 = 12, 56 हमारे पास कितना भाई, 56 हमारे पास कार यहाँ पे है, और 56 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 6 = 30 का 0 = 3, 25, 26, 27, 28, 280, कितना है भाई, 280 कार हमारे पास यहाँ पे आ गए। और ठीक वैसे ही अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 = 18 का 8, 6 × 3 = 18 का 8, ओके ओके, 6 × 3 = 18 का 8, कैरी 1, और 5 × 15 = 160, समझ में आ गया। ठीक वैसे ही आपको इसको सॉल्व कर लेना, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक। चलिए देखिए हमारे पास टोटल कार कितना है, टोटल कार हमारे पास 448 है, ठीक है। रेशियो कितना है, 5:3 का है, तो मान लेते हैं 5x + 3x कितना हो गया, 8x, 8x से डिवाइड करेंगे आप इसको, फिर 8x से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा कितना, आपकी वैल्यू 8x से डिवाइड करेंगे तो आपके आ जाएगी 56। अब इस 56 में 5:3 में आप दे दीजिए, 50x की वैल्यू 56 आ गई, तो 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके यहाँ पे वैल्यू निकाले। सिमिलरली दोस्तों हमारे पास कितना है, 364 है हमारे पास टोटल कार, कितना है, 364 है हमारे पास रेशियो, कितना है, 1:x + x, 2x, 2x = 364, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2×1 = 2, 8, 182, यानी कि इसका भी 182 और इसका भी 182, समझ में आ गया। अब इसी को मैंने यहाँ पे आराम से यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये डेटा आपको कैलकुलेट हो गया, फिर आप सारे सवाल को कर लेंगे। याद रखिए जी, नेट जेआरएफ में 10 नंबर का सवाल डेटा हैंडलिंग से आता ही आता है, 100% आता है, एक पूरी यूनिट है आपकी, तो 10 नंबर के सवाल तो आपको आएंगे ही आएंगे, लिख के रखिए। अब आपने जो भी डेटा था आपने यहाँ पे स्टोर कर लिया, अब बस इतना काम कर लीजिए, इतना काम करने के बाद आपका यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है, राज्य बी में डीजल इंजन के कारों की संख्या, तो राज्य बी में, स्टेट बी में डीजल इंजन कितने भैया, 40 है हमारे पास। स्टेट बी में डीजल इंजन के कार कितने हैं भैया, डीजल इंजन के कार है 140। दूसरा, राज्य डी में पेट्रोल इंजन के कार, राज्य डी में हमारे पास पेट्रोल 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 कार कितना है भैया, पेट्रोल कार हमारे पास कितना है, तो राज्य डी में पेट्रोल कार कितना है, 182 है, 182। कह रहा है कि संख्या का बीच का अंतर, तो भैया 182 माइनस 140 अगर आप करेंगे तो कितना होगा, 42 आएगा, कोई दिक्कत, 42 आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया। देखिए कितना आसानी से आप कर लेंगे अगर आप डेटा बना लेंगे तो, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा सवाल देखिए,
राज्य सी में पेट्रोल कारों की संख्या, राज्य सी में पेट्रोल, सी कितना है भैया, पी सी हमारे पास ये है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि राज्य सी में पेट्रोल, भैया पेट्रोल कितना है, 168 है। राज्य सी में पेट्रोल कार कितने हैं भैया, 168 है। ओके, राज्य ए में डीजल कार, स्टेट ए में डीजल कार कितने हैं, 84 है। स्टेट ए में डीजल कार हमारे पास कितना है भैया, 84 है। अब कह रहा है कि संख्या कुल कितना प्रतिशत अधिक है, कह रहा है कि यह कितना परसेंट अधिक है। तो अगर आप देखेंगे इसको माइनस करेंगे अगर इनको, तो आएगा 84, मतलब आप देखेंगे इसका कितना है, डबल है। इसका कितना है, डबल है। यह 84 है और ये 168 है, मतलब 100% अधिक है, इसका दुगुना है। जब दुगुना का मतलब क्या होता है, 100%, आधा का मतलब क्या होता है, 50%, और पूरा का मतलब क्या होता है, 100%। तो आपसे 100% ज़्यादा है, यानी कि आपकी कितनी हो जाएगी आंसर, ए 100% हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बस डेटा बना लेंगे आप, सवाल तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, यदि राज्य सी में 25% डीजल कारें, अच्छा राज्य सी में 25%, देखो ये जो डीजल कार कितने हैं हमारे पास, राज्य सी में हमारे पास डीजल कार कितने हैं, तो 280 है। अब कह रहा है कि 25% कारें वातानुकूलित है, मतलब एसी कंडीशनिंग है। तो राज्य सी में गैर वातानुकूलित डीजल कारें, अब 280 हमारे पास टोटल कार है, इसमें कह रहा है कि 25% कार एसी की कार है, एसी वाली कार है। तो बिना एसी की कार कितनी होगी, जब 25% एसी वाली कार होगी तो 75% बिना एसी वाली कार होगी, समझ में आ गया। तो 75% निकाल लेते हैं भैया, 75% ऑफ कितना, ऑफ 280, नहीं समझ में आ रहा, कह रहा है 25% एसी वाला कार है, तो बिना एसी वाला कार कितना होगा, 75, हाँ 25 से कर लेते ना, 25 चौके 100, 25 75, ठीक है, 7 चौके 28 70, इसको 3 × 70 करेंगे तो आप आएगा 210, 210 कितना भैया, 210, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन तो आप यूं कर लेंगे, आँख बंद करके कर लेंगे। क्या हुआ, कैलकुलेशन फिर से बता दें, कैलकुलेशन कुछ नहीं है बाबू, 280 का 75% निकालना है, 75% मतलब 100, 280। अब मैंने क्या किया, 25 से किया, 25 से, 25 × 4 = 100, 25 × 3 = 75, और 4 से कर लिया, 7 × 2 = 80, बस 70 × 3 कर लीजिए, 210 आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया, कोई समस्या नहीं। बस इसे धड़ाम धड़ाम हमें क्या करना है, करते हुए आगे बढ़ जाना है। अगला सवाल देखिए, कह रहे राज्य सी में कारों की कुल संख्या, ओके राज्य सी में कारों की कुल संख्या कितनी है, इतनी है, ओके। और राज्य बी में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या के बीच, अच्छा राज्य बी में पेट्रोल इंजन कितने भैया, ये रहा, अब इसके बीच का अंतर कह रहा है, चलिए लाइए अंतर करते हैं, 448 - 252। आपको मेन क्या करना है ना, मेन इसका जो डेटा बनाना है वो बनाना इंपॉर्टेंट है। लास्ट में 6 आ गया, लास्ट में 6 कितने में है, एक में है, यही आंसर होगा, फिर भी कर लीजिए। यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ 3 में से 196, यही आ गया, खत्म। कितना आसान सा सवाल था, अगला सवाल देख लीजिए। चलिए बाबू अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आ गया आपका, ये लास्ट सवाल, हर एक सवाल दो दो नंबर का है, याद रखिएगा, हर एक सवाल कितने नंबर का है, दो नंबर का है। ये भी नेट GRF का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर 1 का। अब कह रहे हैं सभी राज्यों के अंतर्गत पेट्रोल इंजन कारों की संख्या, अच्छा पेट्रोल इंजन जो कार है ना ये हमारे, अब कह रहे हैं इसका योग बताइए कितना है, तो आइए इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, 2 × 4 = 8 × 4 = 12 12 और 2 = 16 × 6 = 1। लास्ट में 6 किसके में है, लास्ट में 6 इसके में है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिर से कर लेते हैं। कैरी वन आया 1 × 5 = 6 6 × 6 = 12 12 × 8 = 20 20 × 1 = 21 कैरी टू 1 2 × 1 = 3 3 × 4 4 × 5 = 7 7 × 16 कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपने UGC नेट GRF का डेटा हैंडलिंग का 5 सवाल सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 5 सवाल का मतलब आपने 10 सवाल सही कर दिया। इसी तरीके से हम सॉल्व करते हो जाएंगे, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, अगर नहीं जुड़े हैं चैनल तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप जैसे मोटिवेट करेंगे मैं भी और पढ़ूंगा और मन लगाऊंगा, और ऐसे पढ़ते पढ़ते शायद मेरा भी GRF क्लियर हो जाए और आपका भी क्लियर हो जाए। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चन के साथ, या किसी अन्य न्यूमेरिकल सवाल के साथ, या किसी अन्य, मेरा मतलब मेरा काम क्या है ना, मैं डेली अब इसको पढ़ता हूँ। तो आज मैंने 2022 का सेट उठाया है, तो 2022 में अभी जितने भी सवाल होंगे मैं उसको पढ़ूंगा, फिर आपसे एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, मेरा और क्लियर हो जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, साथ एक दूसरे के बने रहना है और पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रियाएं जरूर दें, कैसी लगी वीडियो आपको, और नहीं जुड़े चैनल सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा।
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।